अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से माजिद रसूल। आज जो है वो हम 500 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का प्राइस एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट मंथ जो है वो उनकी प्राइस किस तरह से रही है, और फिर इसके अलावा बहरिया टाउन कराची के अंदर जो भी सिचुएशन हुई, आप लोग बखूबी इससे वाकिफ़ हैं, तो उसके बाद क्या मार्केट पर इफ़ेक्ट पड़ा है इसका या नहीं, तो इस बारे में हम आप लोगों को डिटेल प्राइस एनालिसिस करवाएंगे। वो डिफरेंट होगा, इसमें रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रीसेंट्स आएंगे, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी जो भी प्रीसेंट्स हैं उनमें प्राइस का इंक्रीमेंट जो है वो किस तरह से आया। तो जाफर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ये आपको इस बारे में कंप्लीट डिटेल देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि पहले भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं डेली बेसिस पे 28 अगस्त के इतवार पे और दूसरी बाकी चीज़ें, तो अब बीच में कुछ सिनेरियो ये बना था कि बहरिया के ऊपर थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम हुई थी, आप सब आगाह हैं कि एक अटैक हुआ था, उसके बाद प्राइजेस कैसी रही हैं वो भी डिस्कस करते जाएंगे, और प्रीवियस मंथ के जो रेट से उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे 500 स्क्वायर यार्ड को। तो सबसे पहले 500 स्क्वायर यार्ड में जो पहला प्रीसिंक्ट हम लेते हैं वो है प्रीसिंक्ट 4, सबसे नज़दीक तरीन जो प्रीसिंक्ट है प्रीसिंक्ट 4 है। तो प्रीसिंक्ट 4 में जो प्रीवियस मंथ रेट से वो 1,35,00,000 से लेकर 1,90,00,000 के दरमियान जो थे इसके रेट जो थे वो चल रहे थे प्रीवियस मंथ में, 1,35,00,000 से लेकर 1,90,00,000 चल रहे थे, जो कि इस महीने अब जो सेल्स परचेज चल रही है जैसे 23/6/2021 ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, आज की जो फ्रेश जो रेट से वो जो चल रहे हैं 1,40,00,000 मिनिमम आपको इसमें प्रीसिंक्ट 4 में मिलता है, और मैक्सिमम जो है वो 2 करोड़ तक प्लॉट जो है वो मिल रहा है। तो प्राइस इंक्रीमेंट देखने में हमें जो पिछले महीने और इस महीने का वो आया है 5,00,000 जो प्राइस इंक्रीमेंट आया है वो के मिनिमम प्राइस में, और 10,00,000 जो है वो मैक्सिमम प्राइस में हमें देखने में मिला है प्रीसिंक्ट 4 का। अब प्रीसिंक्ट 9 बहरिया हिल्स की जानिब मूव करूँगा, तो इसमें प्राइस आप देखेंगे जो प्राइस पिछले महीने थी वो 1,35,00,000 से लेकर 2,70,00,000 तक थी। अब इसमें थोड़ा सा मैं ये बताता जाऊँ, वेरी करता जाऊँ, इसमें भी 1,35,00,000 से लेकर 1,90,00,000 तक इसकी जो प्राइस थी वो चल रही थी, जो कि स्ट्रीट्स जो नीचे हैं सारी, कुछ बहरिया हिल्स हाइट पे स्ट्रीट्स हैं, एक दो स्ट्रीट्स हाइट पे हैं जहाँ के मलिक अली का घर है या वहाँ उस जगहों पे जो हाइट पे स्ट्रीट्स हैं वो 1,90,00,000 से क्रॉस हैं, यानी उनका तकरीबन कोई 2.5 करोड़ से लेकर 2,70,00,000 के दरमियान रेट चल रहा है। बाकी जो एवरेज रेट बहरिया हिल्स के हैं वो 1,35,00,000 से लेकर 1,90,00,000, और अब जो है वो 1,40,00,000 से लेकर उसके 1,90,00,000 तक ही चल रहे हैं। बाकी 2,70,00,000 मैंने जो शो किया हुआ है ये वो वाले रेट्स हैं जो कि हाइट की स्ट्रीट्स के हैं, उसके रेट 2.5 करोड़ से लेकर 2,70,00,000 तक चल रहे हैं। प्राइस इंक्रीमेंट जो देखने में आया मिनिमम तो देखने में इसका हमें मिला है, लेकिन मैक्सिमम देखने में बहरिया हिल्स का हमें नहीं मिला। प्रीसिंक्ट 15 भी प्रीवियस जितनी भी हमने वीडियोस 500 गज की शूट की उसमें आपको किस किस्म का इसके प्राइस एनालिसिस नहीं मिले, अब इसका हमने इसको शामिल किया। अभी देखें जैसे 15B में 125 गज के प्लॉट की सेल चली, उसके साथ 500 गज के रेट भी कुछ बेटर हुए, तो जो प्रीवियस मंथ था उसमें आपने देखा 55 से 65 लाख के दरमियान इसकी सेल परचेज हुई, हालांकि इससे पहले जब 15B के प्लॉट्स की इतनी ज़्यादा सेल परचेज नहीं हो रही थी तो उस वक्त इसके रेट कोई मैक्सिमम 55 लाख तक चल रहे थे, 50 से 55 लाख के गिर चल रहे थे, लेकिन पहले भी रेट बढ़े अब भी रेट उसके बढ़ गए, यानी 60 लाख से लेकर 70 लाख तक पहुँचे हुए हैं, जो कि मिनिमम प्राइस में 5 लाख का और मैक्सिमम प्राइस में भी 5 लाख का इजाफा हो चुका हुआ है 15B के प्लॉट्स का। अब इसके साथ हम आगे चलते हैं प्रीसिंक्ट 17 में 500 गज का, तो प्रीसिंक्ट 17 में जो 500 गज की प्राइस थी प्रीवियस मंथ में हमें देखने में आई थी वो 1,20,00,000 मिनिमम थी, और मैक्सिमम देखने में जो आई थी वो हमें 1,70,00,000 देखने में आई थी प्रीसिंक्ट 17 के। तो इस महीने में इसकी जो प्राइस है वो 1,25,00,000 से लेकर 1,80,00,000 हो चुकी हुई है, जो कि 5 लाख मिनिमम प्राइस में और मैक्सिमम प्राइस में जो है वो 10 लाख का इजाफा देखने में हमें आया प्रीसिंक्ट 17 का। एंड नेक्स्ट इसको भी हम शामिल नहीं करते थे पहले गोल्फ सिटी को, गोल्फ सिटी में 500 गज के प्लॉट को हमने यहाँ शामिल किया, इनकी प्राइस जो प्रीवियस मंथ थी वो 70 लाख से लेकर 1,60,00,000 के गिर्द चढ़ रही थी, 70 लाख ये माइनसिंग है, यानी 15 लाख माइनसिंग, इससे भी प्रीवियस मंथ में हम चले जाते हैं तो मजीद माइनसिंग थी, यानी 65 लाख के 60 लाख के 65 लाख के प्लॉट मिल जाते थे।
पिछले मंथ 70 लाख तक प्राइस पहुंच चुकी थी, वो इस महीने में जाके तकरीबन मिनिमम से मिनिमम आपको जो प्राइस कोडिंग हो रही है वो 80 लाख की हो रही है, 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 70 लाख के दरमियान इसकी जो है प्राइस पहुंच चुकी है। इतना वेरिएशन आप प्राइस में देख रहे होंगे। जो गोल्फ को फेस करते हुए प्लॉट्स हैं उनकी आपको कीमतें जो हैं वो 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर ऊपर ही मिलेंगी, और जो गोल्फ के बिल्कुल साथ साथ हैं वो भी कोई 1 करोड़ के राउंड अबाउट, 1 करोड़ 15 लाख 20 लाख के राउंड अबाउट हैं। फिर जो गोल्फ क्लब के बहुत दूर हो जाते हैं तो उनकी प्राइजेज जो हैं वो 80 लाख 85 लाख 90 लाख यहाँ तक उसकी प्राइजेज गई हुई हैं। अब इसमें भी आप देखते हैं प्रीवियस मंथ से इस मंथ में जो प्राइस इंक्रीमेंट हुई वो 10-10 लाख हुई है, यानी मिनिमम प्राइस में भी 10 लाख का इजाफा देखने में मिला और मैक्सिमम में भी। और गोल्फ में काफ़ी अच्छी जो है वो सेल्स परचेज चल रही है, पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी अच्छी सेल्स परचेज होने की वजह से इसके रेट जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं, वरना इसके रेट जो थे वो स्टील थे। अब आगे चलते हैं प्रीसिंक्ट 27 ए की जानब हम मूव करते हैं। तो प्रीसिंक्ट 27 ए में जो कि प्रीवियस मंथ में रेट जो चल रहे थे वो 70 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख के दरमियान रेट इसके चल रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बूम आया था 27 ए में पिछले 2-3 महीनों में। तो इस महीने में भी जो रेट है वो बढ़कर 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच चुके हुए हैं। अब ये देखेंगे इसमें इजाफा मिनिमम प्राइस में 10 लाख और मैक्सिमम प्राइस में भी 10 लाख देखने में इजाफा हुआ है। अब ये दो ब्लॉक देख लें 500 गज के, अब इसमें आप देखेंगे कि प्राइस में काफ़ी इजाफा देखने के मिला है बनिस्बत दूसरे प्रीसिंक्ट आप ऊपर मैंने मेंशन किए। अब मिनिमम प्राइस में भी इजाफा हुआ और मैक्सिमम प्राइस में भी इजाफा हुआ है, यही जो लंदन ब्रिज के साथ साइज से हो जाता है और गोल्फ सिटी हो जाता है, काफ़ी अच्छी इनकी जो सेल है वो चल रही है। और इसके साथ इन्हीं के बिल्कुल जो जिना एवेन्यू जो आ रही है उसके बिल्कुल राइट साइड पर प्रीसिंक्ट 29 है, उसमें भी आपको देखने का इजाफा, पहले इंक्रीमेंट बता देता हूँ, देखें 10-10 लाख का इजाफा इसमें देखने में मिला है। ये ब्लॉक देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा सेल्स परचेज चली है इस वजह से। तो प्रीवियस मंथ में 70 लाख इसके रेट थे और मिनिमम और मैक्सिमम जो थे 1 लाख तक थे, इस महीने में बढ़कर 80 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक पहुँच चुके हुए हैं और इंक्रीमेंट मिनिमम और मैक्सिमम में 10-10 लाख का हुआ इजाफा। तो इसके साथ प्रीसिंक्ट 33 हॉट सेल, जैसा कि पहले हम जिक्र कर चुके हैं काफ़ी हॉट सेल इसमें रही है और प्रीवियस मंथ में भी बहुत ज़्यादा रेट में एप्रिसिएशन देखने में मिली और अब भी काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन इसमें देखने में हमें मिलती है। प्रीवियस मंथ में इसके जो रेट थे मिनिमम 50 लाख, यानी अनडेवलप एरिया जो था जिसमें इतनी डिवेलपमेंट नहीं हुई हुई थी 50 लाख के प्लाट आपको मिल जाते थे, और मैक्सिमम जो थे वो 75 लाख तक इसकी सेल परचेज चल रही थी, जो कि स्टेडियम के साथ बांध में सी डी ऐसी जो स्ट्रीट थी उनका रेट चल रहा था। इस महीने में जो देखने में हमें मिला है मिनिमम से मिनिमम प्लाट आपको 60 लाख का मिल रहा है और मैक्सिमम 90 लाख तक मिल रहा है, और कुछ प्लाट ऐसे हैं जो 90 लाख से भी क्रॉस कर चुके हैं लेकिन वो एक्स्ट्रा लैंड वाले हैं, एक्स्ट्रा लैंड पेड प्लॉट्स हैं जिनकी प्राइस इनसे भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन जो एवरेज सेल्स परचेज 500 गज के प्लॉट्स की हो रही है वो 60 लाख से लेकर 90 लाख तक हो रही है। अब इसमें भी आप इजाफा देखें मिनिमम 10 लाख का इजाफा और मैक्सिमम 15 लाख का इजाफा फिर भी इसमें देखने में आया, और ये पिछले कोई 5 महीनों से प्रीसिंक्ट 33 के जो रेट हैं ये डेली बेसिस पे इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी जब हमने ये स्टार्ट किया था आप देखेंगे कोई 30 लाख से लेकर 42 लाख के दरमियान रेट चल रहे थे, अब आप देखेंगे 30 वाले जो मिनिमम थे वो 60 तक पहुंचे हुए हैं और 42 वाले 90 तक पहुंचे हुए हैं, तो आप कितना इजाफा देख रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट कोई 50 लाख का इजाफा इन प्लॉट की प्राइस में हो चुका हुआ है पिछले 5 महीनों से। तो काफ़ी हॉट से रही है, इसके बारे में बार बार हम आपको आगाह भी करते रहे क्योंकि स्टेडियम के साथ है प्राइजेज बहुत लो थी और काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। अब प्रीसिंक्ट 36 की बात करें तो प्रीसिंक्ट 36 में चंद एक स्ट्रीट्स हैं, चंद एक प्लॉट्स हैं जो कि 500 गज के हैं, यानी एक छोटा सा प्रीसिंक्ट है, इसकी प्राइजेज भी 65 लाख से लेकर 80 लाख के दरमियान चल रही थी प्रीवियस मंथ, इस महीने में 70 लाख से लेकर 90 लाख तक पहुँची हुई है, 5 से 10 लाख इसमें भी देखने में इजाफा आया हुआ है। क्योंकि ये छोटा सा प्रीसिंक्ट है इसमें सेल्स परचेज है लेकिन बहुत मामूली सी होती है, यानी बहुत कम प्लाट है जो आपको अवेलेबल होते हैं, तो इस वजह से इसके रेट भी काफ़ी इंक्रीज कर चुके हैं। प्रीसिंक्ट 37 500 गज के एतबार से प्रीवियस मंथ में इसके जो रेट थे वो 65 लाख से लेकर 85 लाख तक इसकी सेल परचेज हुई है, जो कि इस महीने में बढ़कर 70 लाख से लेकर 90 लाख तक हो चुकी हुई है। इसमें भी इंक्रीमेंट हमें 5 लाख मिनिमम और मैक्सिमम 5 लाख देखने में आया है। और इसके साथ पैराडाइज का एक प्रीसिंक्ट है 500 गज का, उसका जिक्र करूँगा। प्रीसिंक्ट 50 का 90 लाख से लेकर 1 करोड़, क्योंकि इसकी ये याद रखिएगा इसकी जो बुकिंग प्राइस है वो भी आपकी जो है वो 96 लाख है,
तो 90 लाख से लेकर 1 करोड़ यानी ये मानसिंह में प्लॉट जो था पिछले लास्ट मंथ में मिल रहे थे आपको, लेकिन इस टाइम आपको मानसिंह में नहीं मिल रहे, 4-5 लाख ओन के साथ मिल रहे हैं। 4-5 लाख से लेकर 15 से 20 लाख ओन तक ये पहुँच चुके हुए हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी डिवेलपमेंट चल रही है, मॉस्क बन रही है काफ़ी, और बहुत सारी डिवेलपमेंट हो गई है। और इसी के सामने बहरिया पैराडाइज विलाज है, वहाँ बहरिया जो है वो पोजेशन देने जा रहा है, तो जिसकी वजह से इसके रेट में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है, जो कि 10 से 15 लाख का इजाफा देखने को मिला है। ये प्राइस एनालिसिस थे 500 गज़ के, और ये डेट मैंने पहले मेंशन कर दिया है, 23/6/2021 मैंने डेट मेंशन कर दिया। कुछ क्लाइंट्स के सवाल ये भी हैं कि ये जो हालिया वाकया हुआ था इसमें प्राइजेज जो हैं वो डिक्रीज़ हुई हैं। मैं बार बार यही कहता हूँ डिक्रीज़ नहीं हुई, थोड़ा सा ये था कि प्राइजेज जो हैं वो स्टिल हो गई, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी जैसे कि पहले बढ़ रही थी, पहले काफ़ी तेज़ी से प्राइजेज बढ़ रही थी, वीकली बेसिस पे 2-2, 3-3 लाख का इजाफा हो रहा था, वो अभी देखने को हमें इसमें नहीं मिला। लेकिन अब दोबारा सेल्स परचेज शुरू हो जाएगी और शुरू हो चुकी हुई है, जैसे ईद नज़दीक है, जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं वो आ रहे हैं, और इसके साथ ईद के बाद भी उनकी सेल्स परचेज काफ़ी चलेगी, तो रेट्स में काफ़ी ज़्यादा बूम मज़ीद देखने को हमें मिलेगा। बाकी स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए सेल्स परचेज के हवाले से आप हमें कॉल कर सकते हैं, बाकी थोड़ा सा मज़ीद माजिद भैया आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू। बेसिकली जो हम आप लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं वो आप लोगों के लिए बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि आप लोगों को जो है वो किस तरफ मूव करना चाहिए। इस तरह से आपको जितना भी बजट होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग जो है वो इसमें बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस तरफ से आना चाहिए। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करता चलूँ 15B का, जैसे हम लोगों ने आज इसके अंदर एडिशन की है, तो इसमें पहले जो थी वो सेल परचेज बहुत ज़्यादा कम थी, और अब भी जो है इसमें 15A और B दोनों के अंदर डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसलिए भी लोग इस तरफ जो है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। मज़ीद आपकी कोई क्यूरीज हैं इस प्राइस एनालिसिस के हवाले से तो हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, और इसके अलावा आप हमारे टीम मेम्बर से भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।